तो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्या। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हम रूसा चलाते हैं दीवार पे, प्लास्टर करते हैं, तो फंटी मारने के बाद जब हम रूसा चलाते हैं छोटा वाला, तो उसको किस प्रकार से चलाएं। बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से समझाया दोस्तों कि जो नया मिस्त्री है फ्रेंड्स, वो पुराने मिस्त्री से भी आगे निकल जाएगा। मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है। तो नए नए मिस्त्रियों के लिए है ये वीडियो दोस्तों। तो जिनको रूसा चलाना नहीं आता, अगर चलाना आता भी है तो सही तरीके से चलाना नहीं आता, वो गलत तरीके से चलाते हैं, उससे होता ही है फ्रेंड्स कि उनका जो माल है वो कट जाता है। फिर पुराने मिस्त्री उनको बोलते हैं कि तू तो सही काम नहीं करता। तो आप लोग मेरी वीडियो देखिए और आराम से रूसा चलाइए, बिल्कुल धीरे धीरे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया मैंने फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से समझाया। तो बस आप लोगों से फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी तरफ से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते जाइए दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रूसा चलाने का फ्रेंड जो सही तरीका होता है वे मैं आज आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स शुरुआत आपको जहाँ छोटे खड्डे होते हैं, तो पहले तो फ्रेंड्स ये फंटी निकालनी है प्लास्टर के अंदर। फिर बाद में जो छोटे छेद होते हैं वहाँ से आपको शुरुआत करनी है और फिर रूसे को इस प्रकार से पकड़ना है और इसको खड़ा करके चलाना है, इसको गोल गोल घुमाते जाना और खड़ा करके चलाना है इसको, और इसको ऐसे खड़ा रखना है दीवार पर और इसको गोल गोल घुमाते जाना है। बिल्कुल आपको आपका माल बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो आपको इस प्रकार से इसको खड़ा कर लेना है दीवार पे और इसको गोल गोल घुमाते जाना है। एक ही जगह में गोल गोल नहीं घुमाना फ्रेंड्स, आपको काफ़ी एरिया में इसको गोल गोल घुमाना ताकि आपका जो माल है वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और जो छोटे मोटे छेद है फ्रेंड्स वो तो आप इसको गोल गोल करके घुमाओगे, उसी के अंदर आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो जहाँ पे छोटे गड्ढे होते हैं फ्रेंड्स वहाँ से आपको शुरुआत करनी है और इस रूसे को खड़ा रख के इस प्रकार से गोल गोल घुमाना है आपको, तो आपका माल बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और आपको एक ही एक जगह में गोल गोल नहीं घुमाना है इसको, बहुत सारे एरिया में आपका जो पहले फंटी वाला प्लास्टर होता है वहाँ पे आपको इसको गोल गोल घुमाते जाना है, तो आपका माल बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और यही है फ्रेंड्स रूसा चलाने का सही तरीका। अगर आप इसको गोल घुमाते जाओगे तब तक आपका माल बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जहाँ पर फ्रेंड्स छोटे छेद होते हैं वहाँ पर आपको माल लगा देना और फिर बाद में आपको इस प्रकार से गोल गोल काफ़ी बड़े एरिया में इसको गोल गोल घुमाना है, तो आपका माल बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय फ्रेंड्स।